नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हाथ के द्वारा बखिया टांका सिखाने जा रही हूँ। बखिया टांका दो प्रकार से बनता है, एक मशीन के द्वारा और एक हाथ के द्वारा। पहले समय में क्या होता था कि मशीनें नहीं होती थी, तब हम हाथ से ही बखिया करके और वस्त्रों को सिलते थे। और आज भी जहाँ पर मशीन नहीं चलती, वहाँ पर हम हाथ से ही बखिया कर लेते हैं। कई बार मोटा कपड़ा आ जाता है और उस पर मशीन नहीं चलती, तब भी हम हाथ का बखिये का प्रयोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, मैंने पहले ही प्रेस करके और इसको मोड़ लिया। आप लोग भी ऐसे ही प्रेस करके मोड़ लें और साथ में कच्चा भी कर ले। अगर स्लीपरी कपड़ा है तो उस पर कच्चा कर ले। ये कॉटन का कपड़ा है, इसलिए ये प्रेस से ही सेट हो चुका है। अब ये देखो, अब मैं जो आपको टांका बताऊंगी, देखो मैं यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से मैं शुरू करूँगी, फिर मैं इस टांके को पीछे लेके जाऊँगी। पहले मैं पीछे लूँगी, फिर मैं इसके आगे लूँगी यहाँ पर। अब ये देखना, इस प्रकार से पहले मैंने इसको देखो पीछे लिया, मैंने भी यहाँ से शुरू किया है। पहले मैंने यहाँ से लिया और फिर मैंने उसके उतना ही आगे निकाल दिया। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने बीच यहाँ से शुरू किया, इसको पीछे लिया सुई को, फिर मैंने सुई को आगे निकाल दिया। अब फिर देखिए, अब मैं फिर पीछे से सुई लूँगी। ये देखना ज़रा ध्यान से देखो, ये मैं फिर पीछे से सुई लूँगी और इसको इतना ही आगे, देखो मैंने फिर एक निशान लगा दिया है, इसको फिर इतना ही आगे लूँगी इस प्रकार से। ये देखिए, बैक स्टिच भी हम इसको कहते हैं, हाथ का बखिया भी कहते हैं। बैक स्टिच इसलिए कहते हैं क्योंकि एक टांका हम पीछे से लेते हैं। ये देखिए, मैं फिर पीछे से लूँगी, पीछे से लेकर के फिर मैं उतना ही आगे बढ़ जाऊँगी। ये देखिए। और ये भी ध्यान रहे कि जो नीचे है ये भी किनारे पे चलना चाहिए, इसके भी यहाँ सफाई से जो है होना चाहिए। फिर ये बिल्कुल एक लाइन में और सीधा बखिया आएगा बिल्कुल इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे, ये जो है दाएं से शुरू होकर के बाएं तरफ हम इसको बनाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल उतना ही टांका लेना है जितना हमने पीछे से लिया है। इस टांके को हम छोटा भी कर सकते हैं और हम इस टांके को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हम छोटा छोटा टांका बनाएंगे उतना ही जो है वो मजबूत टांका आप लोगों का होगा। ये देखिए, बिल्कुल मशीन के बखिया की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, मैं पीछे से लूँगी, फिर मैं उतना ही आगे लूँगी और इसके किनारे किनारे पे, ये देखिए इस प्रकार से आप कपड़े को पकड़ लें और इसको बिल्कुल जहाँ से, ये देखिए इस प्रकार से बनाते हुए इस तरह से कपड़े को इस तरह से पकड़ लें टाइट और इस प्रकार से। जब कोई ज़्यादा बड़ा कपड़ा हम बनाते हैं तो घुटनों के बीच में दबाकर भी हम फटाफट जो है कपड़ा सिल सकते हैं। इस प्रकार से लेते हुए और ये मैंने यहाँ पर, ये देखिए ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके और मैं इसको अब बंद कर दूँगी। बंद करने के लिए आप एक जो है छोटी सी गांठ लगा दें। ऐसे कपड़े को लो इस प्रकार से करते हुए, इसके पीछे से देखिए, इसके पीछे से इस प्रकार से आप ये करके और कुछ थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जा करके और धागे को कट कर दें। अब ये देखिए, ध्यान से देखें, ये देखो कितनी सुंदर मैंने बखिया टांका बनाया है। और आपको ये बखिया टांका समझ में भी आ गया होगा, पीछे से ये इस तरह से दिखाई देता है। ये देखो बिल्कुल किनारे के सीध में, किनारे किनारे पे मैंने इसको चलाया है। और ये देखिए, अब मैं इसी का दूसरा एक टांका और बताने जा रही हूँ, जो वो बखिया टांके से ही बनता है लेकिन उसका नाम जो है वो थोड़ा सा अलग है।
तो वो है चंपे का टाका। चंपे का टाका जो है वो भी बखिया की तरह ही बनता है। ये देखिए मैं इसी में आपको बता रही हूँ, क्योंकि दोनों ही टांके जो है वो एक जैसे हैं, इसलिए मैं इसी वीडियो में आपको दोनों टांके बता रही हूँ। ये फाइन स्टिच भी कहलाता है और चांपे का टाका भी। इसमें क्या है कि जैसे पतला कपड़ा है और धागे टांका जो है वो हम नहीं दिखाते, तो ये एक बिंदु की तरह है दिखाई देता है। जैसे हम साड़ी की फोल लगाते हैं तब हम इस टांके का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह जहाँ ऊपर से हमें टांका नहीं दिखाना होता वहाँ पर भी इस टांके का प्रयोग होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो इस तरह से ना बिल्कुल पीछे से थोड़ा सा पीछे लेंगे फिर आगे लेंगे। उसमें आगे लेने के लिए हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से। देखो हम मैं बिल्कुल दो तार पीछे से लूँगी, दो तार पीछे से ले करके, और लंबा इसकी जो दूरी है टांके की वो अपनी इच्छा अनुसार हम रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल पीछे से देखो इस तरह से हम लेंगे, ये बिल्कुल बिंदु की तरह दिखाई देगा। ये बिल्कुल देखो इस तरह से सुई के बिल्कुल इतना पीछे से निकालेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और फिर हम इसको आगे बढ़ा देंगे। बैक स्टिच में क्या था, बैक स्टिच में हमने पास पास टांका लिया था और थोड़ा बड़ा बड़ा लिया था। इसमें क्या है, ये छोटा छोटा टांका लेना है और ये बिल्कुल एक बिंदु की तरह दिखाई देगा। इस प्रकार से हम इसको करते हुए आगे चले जाएंगे। और ये ध्यान रहे कि जब भी हम बखिया टाका करेंगे या ये चांपे का टाका करेंगे, ये दोनों सीधी साइड से ही हम टाका लगाएंगे बनाएंगे। और ये दाएं तरफ से शुरू होकर के ये बाएं तरफ चलता है, ये दाहिना हाथ है दाहिने हाथ से, और मैं बाएं तरफ इसको ले जा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल दो धागे उठाने हैं और दो धागे लेने। इसकी जो दूरी है टांके की वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन पीछे से जो हम तार उठाते हैं वो दो ही तार लेंगे। ये देखिए ये मेरा दूसरे कलर का धागा है इसलिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ हल्का सा बिंदु जैसा नजर आएगा। और इस प्रकार से इस टांके को जो है हम बना देंगे। ये टांका टेरी लीन, पोलिस्टर, टेरी वूल, पैंट की जेब जैसे पतले कपड़ों में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, बाकी जैसे पैंट की जेब की साइड में बिंदु वो दिखा नहीं दिखाते वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। गर्म कपड़ों पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। देखना जरा, ये देखिए बहुत ही सफाई से जो है, ये देखिए, ये देखो बिल्कुल एक समान दूरी पर मैंने ये टांके लगाए हैं। जब आप काम करोगे तो आपको आदत हो जाएगी और आपकी सुई वहाँ तक जाएगी जहाँ तक आपको निकालनी, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस से जो है ये आपका काम बहुत ही आसान और जो है बहुत ही सफाई से होने वाला है। ये देखिए ये मैंने बैक स्टिच से ही जो है चांपे का टांका बनाया, पीछे से ये इस तरह से नजर आएगा और आगे से जो है ये इस तरह से बिंदु बिंदु की तरह नजर आएगा। ये बिल्कुल फाइन स्टिच है और आपको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें। धन्यवाद।